तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ वेट प्लेट्स इन इंडिया एंड आपके होम जिम के लिए आपको कौन सा वेट प्लेट खरीदना चाहिए, बिकॉज आपका अगर आप गलत वेट प्लेट खरीदते हैं तो आपको बहुत सफ़र करना होगा। ओके, तो पहले वेट प्लेट की बात करने वाले हैं हम ऑफ दिस चीप बट मेटल के वेट प्लेट्स। तो ऐसे चीप के मेटल के वेट प्लेट्स आपको ज़्यादातर ही लोकल जिम स्टोर में देखने के लिए मिल जाते हैं। इनका इनका जो मेन डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है इज दिस पुअर फिनिश। आप यहाँ पे मेटल का फिनिश देखिए, इट इज़ वेरी वेरी पुअर। और इसका जो होल डायमीटर होता है, मतलब ये जो होल डायमीटर होता है, ये होता है 28 mm, ये 50 mm नहीं होता। जिसका मतलब है कि अगर आप इसको ऐसे एक ओलंपिक बारबेल में लगाना चाहते हैं तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं नहीं लगा सकते, बिकॉज इसका होल डायमीटर 28 mm है और ओलंपिक बारबेल का जो स्लीव है वो 50 mm होता है। इन वेट प्लेट्स को आप मेनली ऐसे बारबेल्स पे लगा सकते हैं जो एक 28 mm स्पेसिफिक बारबेल होता है। इस पे ये वेट प्लेट्स ऐसे आराम से लगते हैं। अब इन बारबेल में ग्रूविंग हो सकता है, ग्रूविंग नहीं भी हो सकता है, वो बारबेल के ऊपर डिपेंड करता है। बट ये मेटल के वेट प्लेट सिर्फ एक 28 mm बारबेल पे रखते हैं। अगर आपके पास ऐसा एक 50 mm का बारबेल है तो उस पे इस तरह के चीप वेट प्लेट्स नहीं लगेंगे। द नेक्स्ट फैक्टर इज कि इसमें जो वेट टॉलरेंसेज होते हैं, मतलब ये है एक 2.5 kg का वेट प्लेट, ये 2.5 kg का नहीं है, मैंने मेजर किया था तो दिस वाज अराउंड 2.2 kg। ये बहुत ही कम दाम में मिलते हैं आपको, इसलिए जो वेट लिखा होता है यूजुअली उस वेट में आपको नहीं मिलता है 2.5 का, अराउंड 2.3, 2.8 कुछ भी हो सकता है। तो एक्यूरेसी, वेट एक्यूरेसी के मामले में ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं। बट गाइज इन माई ओपिनियन, अगर आप घर में एक जिम बनाने की कोशिश कर रहे हैं बहुत ही कम बजट में, लेट से 5,000 के नीचे, और आप ऐसे एक ओलंपिक बारबेल अफोर्ड नहीं कर सकते, आप सिर्फ एक नॉर्मल रॉड अफोर्ड कर सकते हैं जैसे मैंने आपको पहले दिखाया, देन दीज वेट प्लेट्स माइट बी गुड फॉर यू। बट इन पे आप सिर्फ ज़्यादातर आइसोलेशन एक्सरसाइजेस कर पाएंगे, कॉम्पाउंड मूवमेंट्स लाइक बेंच प्रेस, स्क्वाट, ये सब नहीं कर पाएंगे, बिकॉज These weight plates are not enough for that. Also, ऐसे cheap metal weight plates, they make a lot of sound. ठीक है, मैं आपको इसको plywood के ऊपर drop करके दिखाता हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा sound होता है, and ये home gym के लिए अगर आपके पास ऐसे mats नहीं है, ऐसे flooring पे रखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आवाज़ होगा। तो make sure कि अगर आप ऐसे metal के weight plates खरीद रहे हैं तो make sure कि आपके पास flooring ज़रूर से ज़रूर है, ऐसे खाली floor पे नहीं रख पाएंगे आप। The next weight plate that we are going to be talking about are PVC weight plates. PVC weight plate का मतलब क्या है कि इसका जो outer layer है, it is made of PVC और इसके अंदर sand भरा हुआ है। Yes guys, I'm not kidding. PVC weight plates के अंदर usually sand या फिर cement भरा हुआ रहता है, but majorly sand भरा हुआ रहता है because sand is much cheaper than cement. तो PVC weight plates में आप जो ये area देख रहे हैं, बेसिकली यहाँ से ही आपका सैंड भरा हुआ रहता है, एंड ये ऐसा एक कैप यूज़ करके सैंड को फिल किया जाता है। पीवीसी वेट प्लेट्स आर दी वर्स्ट काइंड्स ऑफ वेट प्लेट दैट यू कैन बाय फॉर योर होम जिम, बिकॉज इसका जो ये नॉब है, ये जो आप नॉब देख रहे हैं, ये कभी भी टूट सकता है अगर आप एक दो बार भी इसको गलती से ड्रॉप कर देंगे तो। मेरे को तो फॉर्चुनेटली ये नॉब ठीक से मिला, बट ज़्यादातर लोगों को आप अमेजोन पे देखेंगे रिव्यूज़ में कि उनका यहाँ से ऐसे सैंड निकल आता है, या फिर ये कैप अगर आप इजीली खोले तो इजीली खोल जाता है। तो पीवीसी वेट प्लेट्स इस कारण के लिए आर नॉट अ वेरी गुड चॉइस फॉर योर होम जिम। इनको आप टेक्निकली तो ड्रॉप कर सकते हैं, बट अगर आप इनको रिपीटेडली ड्रॉप करें देन दिस नॉब विल ब्रेक एंड पूरा सैंड बाहर आ जाएगा। PVC वेट प्लेट में भी सेम कि इसका होल डायमीटर होता है आपका 28 mm, विच मीन्स ये आपके ऐसे ओलंपिक बारबेल के ऊपर नहीं लगेंगे। इसको लगाने के लिए आपको फिर से ऐसा एक 28 mm रॉड लगेगा, नहीं तो ये एक नॉर्मल ओलंपिक बारबेल्स में फिट नहीं होते। ज़्यादातर पीवीसी वेट प्लेट्स में ही होल डायमीटर 28 mm होता है। तो ओवरऑल यार पीवीसी वेट प्लेट्स आर अ वेरी वेरी बैड चॉइस फॉर योर होम जिम। यू शुड नॉट रियली बाय पीवीसी वेट प्लेट्स फॉर योर होम जिम। ठीक है, आपका बजट एकदम कम है, आपको 1,000-2,000 रुपये से नीचे होम जिम बनाना है, देन ऑफकोर्स आपको पीवीसी वेट प्लेट्स ही मिलेंगे उस बजट रेंज में। तो आई थिंक फॉर बिगिनर्स आप एक पीवीसी वेट प्लेट का डंबल का सेट खरीद सकते हैं, बट
बारबेल का सेट पीवीसी वेट प्लेट्स का मत खरीदिए, सिंपल एक डंबल का सेट खरीदिए एंड जब और पैसे होते हैं देन यू कैन अपग्रेड दिस वेट प्लेट्स विद द नेक्स्ट कैटेगरीज दैट आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट। बाय द वे पीवीसी का ड्रॉप टेस्ट करते हैं तो पीवीसी वेट प्लेट्स यूजुअली मेटल वेट प्लेट्स से कम साउंड करते हैं बिकॉज ऑफ दिस पीवीसी नेचर। बट ट्रस्ट मी यार, अगर आप पीवीसी वेट प्लेट्स खरीदते हैं यू डू नॉट वांट टू बी ड्रॉपिंग देम, डू नॉट ड्रॉप पीवीसी वेट प्लेट्स। द नेक्स्ट कैटेगरी दैट वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट आर मेटल वेट प्लेट्स बट ओलंपिक कॉम्पिटिशन मेटल वेट प्लेट्स। पिछले वेट प्लेट से इनका जो मेन डिफरेंस है इट इज द फिनिशिंग। आप देख रहे हैं जैसे फिनिशिंग बहुत ही अच्छा है इन मेटल वेट प्लेट्स में और इनका जो होल डायमीटर है दैट इज 50 मिलीमीटर, विच मीन्स ये आपके एक नॉर्मल बारबेल के ऊपर ऐसे आराम से लग जाते हैं। बट ऐसे मेटल के वेट प्लेट्स को आप ऐसे एक 28 mm बारबेल के अंदर नहीं फिट कर सकते, दैट इज बिकॉज ये देखिए ये इजीली गो थ्रू जा रहा है बिकॉज 28 mm का जो इस एरिया होता है ये 50 mm से कम होता है, इसीलिए वेट प्लेट्स ऐसे आराम से अंदर बाहर हो जाते हैं। तो ओलंपिक वेट प्लेट्स को आप एक 28 mm बारबेल के साथ यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए आपको एक ऐसा 50 mm का ही बारबेल लगेगा। दीज वेट प्लेट्स आर वेरी वेरी वेट एक्यूरेट, मतलब यहाँ पे जो 2.5 kg लिखा हुआ है इट इज़ एग्जैक्टली 2.5 kg, 100 ग्राम का भी डिफरेंस नहीं है, जो लिखा हुआ रहता है वही आपको मिलता है। एंड ऑफकोर्स इनका प्राइस नॉर्मल मेटल वेट प्लेट्स जो पुअर फिनिशिंग के है उससे बहुत ही ज़्यादा होता है। इनका प्राइस आपको अराउंड 150 से लेकर 160 रुपीज़ पर kg का मिलता है और नॉर्मल जो 28 mm पुअर फिनिशिंग वाले मेटल प्लेट्स होते हैं वो आपको अराउंड 60 to 70 rupees पर kg में मिलता है। अगर आप होम जिम के लिए एक आइडियल प्लेट ढूंढ रहे हैं देन दीज will be my ideal choice because ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है as compared to the next category that I am going to be talking about। ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है एंड दे आर वेरी वेरी वेट एक्यूरेट एंड इनका जो होल डायमीटर है दे कम इन 50 mm डायमीटर। अभी हम इन प्लेट्स का एक ड्रॉप टेस्ट करते हैं तो जस्ट लाइक दिस मेटल वेट प्लेट ऑल्सो मेक्स अ लॉट ऑफ साउंड। तो इसके लिए भी आपको ऐसे प्रॉपर मैट्स की ज़रूरत होगी, आप एक नॉर्मल फ्लोर पे इसको ड्रॉप नहीं कर पाएंगे, यू नीड सम गुड मैट्स और अ प्लेटफॉर्म और समथिंग टू ड्रॉप देम अपॉन, नहीं तो दे विल डैमेज योर फ्लोरिंग। द नेक्स्ट कैटेगरी आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट आर रबर वेट प्लेट्स। अब अनफॉर्चुनेटली मेरे पास सिर्फ एक ही 1.25 kg का रबर वेट प्लेट है बट इससे भी काम चल जाएगा। रबर वेट प्लेट्स आर आर्ग्यूएबली इवन बेटर चॉइस फॉर योर होम जिम्स बिकॉज रबर वेट प्लेट्स में क्या होता है इसके अंदर मेटल ही होता है, ठीक है। रबर वेट प्लेट्स आर नॉट प्योरली मेड ऑफ रबर, इसके अंदर मेटल ही होता है बट इसके बाहर एक रबर का कोटिंग दिया जाता है सो दैट इट प्रोटेक्ट्स योर फ्लोरिंग। रबर वेट प्लेट्स भी काफ़ी अच्छे क्वालिटी के होते हैं, ये उतने अच्छे क्वालिटी के नहीं है बिकॉज मैंने इनको बहुत ही ख़राब तरीके से यूज़ किया है और ये 1.25 kg के है, बट दीज आर ऑल्सो प्रिटी गुड क्वालिटी कंपेरेबल टू नॉर्मल मेटल वेट प्लेट्स। ये वेट प्लेट भी आपका एक नॉर्मल ओलंपिक बारबेल में ऐसे आराम से घुस जाता है एंड जैसे आप देख रहे हैं दे डोंट कॉज मच साउंड। आयरन के जो प्लेट्स होते हैं दे कॉज अ लॉट ऑफ साउंड, अगर आप उनको ऐसे बैंग करेंगे तो बहुत साउंड कॉज करते हैं, बट रबर वेट प्लेट्स ड्यू टू द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ रबर दे डू नॉट कॉज मच साउंड। एंड सिमिलरली आप रबर वेट प्लेट्स को ऐसे एक 28 mm बारबेल के साथ यूज नहीं कर पाएंगे बिकॉज इसका होल डायमीटर 50 mm है। अब आई डू वॉन्ट टू मैंशन वन थिंग कि रबर के वेट प्लेट्स बोथ 50 mm और 28 mm के होल डायमीटर्स में आपको मिलते हैं। 28 mm वाले पर्सनली मैं कभी भी यूज़ नहीं करूँगा बिकॉज आई डोंट थिंक कि आपको इतने एक्सपेंसिव रबर के वेट प्लेट्स खरीदने चाहिए अगर आप एक 28 mm बारबेल रखते हैं आपके घर में, बट आपको मिलते हैं। बट आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि 50 mm रबर वेट प्लेट्स ही खरीदो बिकॉज रबर वेट प्लेट्स आपको अराउंड 200 से लेकर 250 रुपीज पर kg आपको मिलता है, सो वेरी एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू दी अदर ऑप्शंस डाउन हियर। इसीलिए 28 mm बारबेल के साथ इसको यूज़ करने का कोई मतलब नहीं बनता यार। अगर आपके पास एक अच्छा ओलंपिक बारबेल नहीं है तो रबर वेट प्लेट्स मत खरीदो, पीवीसी खरीदो या फिर लो कॉस्ट वाला जो आयरन वाला डिस्कस किया है वो खरीदो। तो अब इन रबर वेट प्लेट्स का एक ड्रॉप टेस्ट करते हैं
तो रबर वेट प्लेट्स जैसे आप देख रहे हैं दे डोंट कॉज एज मच साउंड एज दी अदर वेट प्लेट्स ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ रबर। आप रबर वेट प्लेट्स को ऐसे फ्लोर पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, टेक्निकल यूज़ कर सकते हैं, बट आई डोंट रिकमेंड। थोड़ा सा एक लेयर का भी फ्लोरिंग खरीद दो यार, बिकॉज दैट विल बी गुड फॉर योर फ्लोरिंग। बट अगर आप हैवी डेड लिफ्ट वगैरह नहीं कर रहे हैं, देन आई कैन से कि आप नॉर्मल एक टाइल या फिर मार्बल फ्लोरिंग पे अगर धीरे से रबर वेट प्लेट्स को रख रहे हैं, देन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट इन दोनों मेटल वेट प्लेट्स को यूज़ करने के लिए आपको फ्लोरिंग बिल्कुल बिल्कुल चाहिए। अब बात ऐसी है कि रबर के वेट प्लेट्स के और भी बहुत सारे वैरायटीज़ आते हैं, ठीक है। रबर के वेट प्लेट्स के भी 4 से 5 वैरायटी आते हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी मेरे पास उतने सारे वैरायटीज़ नहीं है, बट इन द फ्यूचर वीडियोस मैं सब कुछ खरीदने वाला हूँ और सब कुछ कंपेयर करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो अगर आपको वो वीडियोज़ देखने हैं, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो अब अगर हम ओवरऑल बात करें, देन विच वेट प्लेट शुड यू बाय फॉर योर होम जिम, मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, ठीक है। अगर आपका बजट 10,000 से कम है, देन इधर गेट ऐसे चीप मेटल के वेट प्लेट्स, या फिर अगर 5,000 से भी कम है, देन यू कैन गेट पीवीसी वेट प्लेट्स। अगर आपका बजट अच्छा है, 20,000 से ऊपर है, प्लीज़ डोंट गो फॉर दिस वेट प्लेट्स एंड सम शिटी होम जिम मशीन्स। अच्छे वेट प्लेट और बारबेल में आपको खर्च बिल्कुल करना है, एंड दीज वॉन्ट बी एन आइडियल चॉइस। बट अगर आपका बजट 20,000 से ऊपर है, आई हाईली रिकमेंड यू टू गेट प्रॉपर ऐसे मेटल के वेट प्लेट्स। दीज आर फ्रॉम अ कंपनी कॉल चैलेंज बारबेल। अगर आप पावर लिफ्टिंग में हैं, आपको पता होगा कि चैलेंज बारबेल इज अ वेरी वेरी फेमस कंपनी मेकिंग दीज अमेजिंग वेट प्लेट्स। हाईली रिकमेंड यू टू गेट दीज मेटल वेट प्लेट्स। अगर आपका बजट 30,000 से ऊपर है, देन यू कैन गो फॉर रबर वेट प्लेट्स, बिकॉज मेटल के कंपेरिजन में रबर आर क्वाइट एक्सपेंसिव, ठीक है। तो 30,000 के अगर ऊपर बजट है, आई डेफिनेटली रिकमेंड यू टू गो विथ रबर वेट प्लेट्स, बिकॉज इन माई ओपिनियन रबर वेट प्लेट्स आर एन आइडियल चॉइस फॉर योर होम जिम। मेटल वेट प्लेट्स आर गुड, बट इनके भी काफ़ी कॉन्स है जो मैंने मेरे चैनल पे एक वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। सो इफ़ यू वांट टू बाय मेटल वेट प्लेट्स, यू कैन चेक आउट दैट वीडियो। एंड अगर आपको इन मेटल वेट प्लेट्स का एक रिव्यू देखना है, आपको खरीदना है, तो आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक डिटेल रिव्यू ऑफ दिस प्लेट्स किया हुआ है। अब आपको अगर मेरे होम जिम में और भी कुछ पसंद आया, जैसे कि स्क्वाट रैक, ये बारबेल, देन चेकआउट दिस प्लेलिस्ट राइट हियर। यहाँ पे मैंने मेरे सब कुछ होम जिम में जो भी कुछ है, सब कुछ का एक रिव्यू किया हुआ है। बाय बाय।